Assalamualaikum. The most awaited day has arrived. Local body elections in Pakistan. आप तमाम दोस्तों को पता है कि कराची में लोकल बॉडी इलेक्शन हो रहे हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 10 के अंदर, न्यू कराची का ही एरिया है और काफ़ी गहमा गहमी है। मुख्तलिफ पार्टीज़ के कैंप लगे हुए हैं, दिखा कैंप अगर अरबाज़ भाई कैंप दिखा सके तो। मुख्तलिफ पार्टीज़ के कैंप लगे हुए हैं और तकरीबन बहुत ज़्यादा गहमा गहमी है, जिस तरह गुज़िश्ता सालों में देखा गया है उसके मुकाबले में कम है। अलबत्ता लोगों का जोश और जज्बा दीदनी है और लोग जो है इलेक्शन को इस बार भी प्रॉपर तरीके से अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। चलिए आइए मालूम करते हैं लोगों के तासुरात क्या है और इलेक्शन को किस तरह ले रहे हैं लोग। आइए, अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ भाई मौजूद है, सर आपका नाम? मोहम्मद फरीद। आप इलेक्शन को इस दफा किस तरह देखते हैं? बस क्या बताएं, बाइकॉट हो गया मुत्तेदा का, बाकी ये है कि नॉर्मल चल रहे हैं, ठीक है, देखते हैं, अल्लाह मालिक है। उम्मीद तो ज़्यादा। आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? टीएलपी को। वोट कास्ट कर दिया आपने? बिल्कुल कास्ट, एकदम कास्ट कर दिया। क्या लगता है, धांधली होगी या इलेक्शन की शफाफियत बरकरार रहेगी? आगे नहीं पता क्या हो सकता है। आपका नाम? मोहम्मद अनवार अहमद नाम है। मुझे कंप्लेन करनी है। करें करें, बिल्कुल करें। आप देखिए, मैं इतनी उम्र हो गई, मैं हमेशा हर वोटिंग में इलेक्शन में, ये गवर्नमेंट स्कूल है हमारा पीला स्कूल, मेहदी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, हमेशा वहाँ वोट डाला है। मैं इसी इलाके का रहायशी हूँ, बहुत पुराना। अभी मैंने यहाँ मालूम किया कैंप में कि मेरा वोट का कार्ड निकाल रहे, तो इन्होंने अब बोल रहे हैं कि मेरा वोट लियाकताबाद में। ये तो सरासर नाइंसाफी है, नाइंसाफी है ये। नहीं, देखा, आवाम जो है इलेक्शन की शफाफियत पर तो एतमाद कर सकती है, लेकिन आवाम को इसके प्रोसीजर पे बिल्कुल भी एतमाद नहीं है और काफ़ी शिकायत है। आइए, हमारे साथ चंद भाई और मौजूद है, उनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? जावेद, मोहम्मद जावेद। आप इलेक्शन के हवाले से कुछ तासुरात देना चाहेंगे? क्या देंगे, लब्बे को दे दिया वोट, इसको देना था। आपने वोट तो कास्ट कर दिया, लेकिन आपको क्या लगता है आपकी जमात कामयाब हो पाएगी? इंशाल्लाह इंशाल्लाह होगी। आए, हम जानते हैं वोटिंग कैंप के अंदर जाकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका जनाब? अब्दुल सलाम। आप क्या कहना चाहेंगे इलेक्शन के हवाले से? भाई जान, सबसे पहले ये कि हमारे यहाँ जो है कि पोलिंग जो है ना स्टार्टिंग 11 बजे के टाइम पे हुई है, लिहाजा बराए मेहरबानी हमें 2-3 घंटे दिए जाएं मजीद, क्योंकि अब आवाम निकल के आई है बाहर, तो जब जाके जो है कि वोट जो है काटते होंगे। तो सर, इसमें तो इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार नहीं है ना, ये तो आवाम की जिम्मेदारी थी ना कि वक्त पर आके दिए जाए इलेक्शन। यहाँ पर सर जी, उन लोगों ने सामान ही नहीं पहुँचाया ना, 11 बजे चालू किया इन लोगों ने, तो हमारा राइट तो बनता है ना कि हमारे को टाइम दिया जाए। ये बड़ा मेहरबानी इनको चाहिए कि जो है ना थोड़ा टाइम जो है बढ़ा दिया जाए, क्योंकि आवाम जब थे ही नहीं कोई, तो कौन आके यहाँ पर वोट डालेगा। आपका नाम? मोहम्मद नुमान। क्या मसला है आपको, क्या परेशानी? मसला ये है कि मैं 11G नहीं कराची का रिहायशी हूँ और मेरा वोट डाकाना लालू खेत में पड़ा है। तो आप वोट कास्ट कर आए? नहीं ना, अभी कैसे जाऊँ, मैं जाऊँगा टाइम ही खत्म हो जाएगा। ये वोट गलत है ना, ये लिस्टें बहुत खराब की हुई है यहाँ पे। यानी आप इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी से बिल्कुल ना खुश है हम? ठीक है, चले आए हम लोग दूसरे कैंप की तरफ चलते हैं, मजीद जमातों के उनको भी चेक करते हैं और आवाम के तासुरात लेते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पोलिंग स्टेशन पे, मुस्लिम खत्री स्कूल है ये, और आइए लोग जैसे कि आप देख सकते हैं लाइन में लगे हुए वोट कास्ट करने के लिए। आइए चंद लोगों के तासुरात लेते हैं। वालेकुम सर, क्या? वालेकुम सलाम। आप इलेक्शन में माशाल्लाह खड़े भी हुए हैं, आप अपनी जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या वादे करते हैं आवाम से, अगर आप आते हैं हुकूमत के अंदर तो आप कितना डिलीवर कर पाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, जब हम तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से खड़े हुए हैं तो हमारा मंशूर ही है ये, इस्लाम, पाकिस्तान और आवाम। जब इस्लाम आता है तो फिर मतलब हर मुस्लिम इज्जत पाता है, फिर चाहे वो मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, हर बंदे को मतलब उनके हकूक मिलेंगे और सहूलियात मिलेगी। ये ना हो जी, हर बंदे को सहूलियत मिलेगी, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो,
अगर एक कुत्ते का बच्चा भी जा रहा है ना उसको भी सहूलियत मिलेगी। तो फिर हम तो इंसान है, मुस्लिम है, सही है, तो हमारे तो शान बराबर बड़ा है, सही है ना, सबसे आला है इंसान की शान। लेकिन इन्होंने इंसान को ही कठपुतली की तरह काट दिया है, गाजर की तरह काट दिया गया है। लेकिन हम इंशाल्लाह जल्द दिखाएंगे कि मुसलमान को कितनी इज्जत मिलती है और कितनी आपकी सीट के लिए खड़े हुए हैं। मैं काउंसलर की सीट से खड़ा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपकी जमात नहीं है, बाकी जमातों के मुकाबले में तो जो सियासी नजर रखने वाले और बसीरत रखने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि आपकी जमात का कोई मुस्तकबिल नहीं है, इसके मुताबिक क्या कहना चाहेंगे? ये तो उनकी सोच की बात है, जब आएंगे इख्तदार में तो फिर करके दिखाएंगे तो ये काम होता कैसे है। वो तो बंदा दूर से बैठा, हर बंदा मतलब अपने खिलाफ ऐसी बातें करता है दूसरे के खिलाफ, जब बंदा मैदान में आएंगे ना फिर पता चलेगा काम होता क्या है और किस तरह से किया जाता है। जी शुक्रिया आपका वक्त। सलाम वालेकुम, क्या नाम है भाई? मोहम्मद आसिफ। आप कब से लगे हुए लाइन में? एक घंटा हो गया कम से कम। एक घंटे से आप वोट कास्ट करने के लिए खड़े हो? तो अभी आपके क्या तासुरात है, आपने वोट डालने का दिल कर रहा है या बस घर जाना है? वोट तो वाले ही है ना, मुल्क का हक है। कौन सी जमात को सपोर्ट कर रहे हैं? जिसको भी करें वो तो हमारे दिल की बात है। मैंने वोट डालने का नहीं कहा, मैं सपोर्ट की बात कर रहा हूँ। सपोर्ट तो आप जिसको चाहे कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। चले ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। और इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी से मुत्तफिक है इंशाल्लाह? ये तो अगर आपकी जमात नहीं जीतती तो क्या धांधली का इल्जाम लगाएंगे? नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे, मैं तो नसीब की बात है। और अगर जीतती है तो क्या डिलीवर कर सकती है आपकी जमात? खुशी होगी और क्या कर सकती है। आपके लिए क्या होगा, आप क्या चाहते हैं कि आपकी जमात आपके लिए काम तो करे? हमारे लिए क्या काम करे, क्या रोडों का काम है, गटरों का काम है, कम से कम ये तो काम हो, गली मोहल्ला साफ हो। आइए, सिक्योरिटी नाफिस करने वाले इदारे भी यहाँ पर मौजूद है जिनसे मुकम्मल आवाम शुरू से ये शिकायत कर रही है कि वक्त पर नहीं आए थे। आइए इनसे पूछते हैं। सलाम सर। वालेकुम सर। क्या नाम है आपका? आसिफ। जनाब, आवाम बड़ी शिकायत कर रही है कि आप बहुत लेट आए हैं। नहीं माशाल्लाह, हम तो बिल्कुल टाइम से आए और टाइम से पोलिंग स्टार्ट हुई और टाइम से हम लोग जो है मेहनत कर रहे हैं। साढ़े 11 बजे आपका माशाल्लाह, हम लोग जो है ना सुबह से लगे हुए हैं, सुबह 7 बजे गए हैं। वैसे इस चीज में मैं करेक्शन कर सकता हूँ जनाब, मैं इस चीज में करेक्शन करूंगा। सिक्योरिटी इदारों का काम होता है सिक्योरिटी फराम करना। पोलिंग स्टार्ट पोलिंग एजेंट करते हैं और आवाम और उसकी जो आवामी नुमाइंदे होते हैं, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से बिठाए गए लोग होते हैं, पोलिंग स्टार्ट करने का काम उनका होता है। आप कितने बजे आए थे जनाब? हम सुबह 6 बजे आए हैं। ये अपने वक्त पर आ चुके हैं तो सिक्योरिटी का यहाँ पर पोलिंग बूथ कब आए आप? 24 घंटे से यहाँ पर पोलिंग बूथ कल से, कल से हम लोग यहाँ पर, हम यहाँ सुबह, हम यहाँ 11:30 बजे आपके पोलिंग बूथ देख रहे हैं। चले मजीद आगे चलते हैं और मजीद लोगों से रابطہ करते हैं और देखते हैं उनके तासुरात क्या है। इस वक्त हम मौजूद हैं एक और सियासी जमात के कैंप में। आइए यहाँ भी लोगों के तासुरात लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो नुमाइंदगान इलेक्शन में खड़े हुए हैं उनमें से अगर हमारी किसी से मुलाकात हो सकती है तो उनसे भी बात करें। किशोर रहमान, आप कितने बजे से कैंप में काम कर रहे हैं आप? जी मैं 8 बजे से बैठा हूँ यहाँ पे। अच्छा, अक्सर लोगों की शिकायत है कि वोटिंग जो है बहुत देर से स्टार्ट की गई है और सामान नहीं आया गया। सामान भी नहीं आया और दूसरी बात ये कि लिस्टें खराब थी और उसमें नंबर बहुत गलत लिखे हुए थे और जाके किसी का लियाकताबाद में, किसी का फेडरल बी एरिया में जो है ना जा रहा था, तो इस वजह से बहुत वोटिंग का मसला हुआ। यहाँ पे बहुत सारे वोटर जो है वापस घरों में जाके सो गए। अच्छा, आप इस चीज को टैकल करने की कोशिश की है या फिर आप बस मजबूर हो गए इस चीज को और वोटर्स अपने जाते हुए देखते रहे अपने सपोर्टर? नहीं, हमने बहुत कोशिश की है, 3-4 मरतबा भी लोग आए को हमने उनको कंफर्म करके लिस्ट दिए और वो वोट डाल के आए। अक्सरियत दो वोट ऐसे थे कि वो लोग वापस चले गए कि हम वोट नहीं देंगे। आए मजीद देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, नाम क्या नाम है? इरफान नाम है। कैसे, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। आप कितने बजे से कैंप में आके बैठे हुए? सुबह 7 बजे से आए हैं यहाँ पर। अच्छा, बहुत से लोग शिकायत कर रहे हैं कि बहुत देर से वोटिंग शुरू हुई है और सामान भी नहीं पहुँचा गया वक्त पे, इसके मुताबिक क्या कहना चाहेंगे? तकरीबन 9:45 बजे से स्टार्ट हुआ है और हमने बहुत कंप्लेन की, पर फोन भी किए लोगों को लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला यहाँ पर। यानी इलेक्शन कमीशन आपको शफाफ इलेक्शन प्रोवाइड करने में नाकाम रहा आपके मुताबिक? नहीं, टाइमिंग के हिसाब से बाकी तो काम सारा किया इन्होंने। और जगह ऐसी है जहाँ पर अपना बूथ नहीं आते, पोलिंग स्टाफ नहीं आया था, बॉक्स नहीं पहुंचे थे वहाँ पर। वोटर लिस्टों का भी कह रहे हैं कि आवाम के जो है ना वोटर लिस्टें बहुत ज्यादा आगे पीछे की गई हैं और उसमें भी बहुत सारे ना कंक्लूजन आ रहे हैं, मुसीबत आ रही है। उसके मसला होता ही है, मसला ये हुआ कि जो पुरानी लिस्ट है ना वो हमारे पास मौजूद है, जो नई लिस्ट है उसमें वो हमें नहीं दी उन्होंने, वो हमें एसेस करना पड़ता है, उसे चेक करना पड़ता है, उसके बाद चीजें आती है इसके अंदर। अच्छा, आपको क्या लगता है जमात इस्लामी डिलीवर कर पाएगी? देखिए, अल्लाह ताला जानता है, कोई नहीं जानता है। अल्लाह ताला जानता है, लेकिन आपकी भी कोशिश कर सकते हैं, बता कोशिश करिए अपने हिसाब से। अगर आपकी जमात आती है हुकूमत में तो आप आवाम को रिलीफ दे पाएंगे? इंशाल्लाह जो कुछ होगा हम करेंगे बिल्कुल सारे। चले आए आगे मजीद खान का देखा हुआ, हमने काम किया है, इंशाल्लाह इसमें भी काम करेंगे हम लोग।
जी हम लोग तो बगैर जीते हुए काम करते हैं। अच्छा माशाल्लाह। जमात इस्लामी इस वक्त फेवरेट है, बहुत ज्यादा आवाम में मकबूलियत है और मुत्तहदा के बायकॉट के बाद ज्यादा चांसेस जमात इस्लामी के ही हैं। बाकी आगे देखते हैं कि बायकॉट की वजह से नहीं, फिर भी हम इंशाल्लाह जीतते। मुत्तहदा को ये नहीं थी, वो आते तो उनको पता चलता कि हम कितने पानी में है। मुत्तहदा अभी नहीं आई, अगर आती है आपसे डर कर ही भाग नहीं नहीं ये बाकी अगर वो एक और है मेन बंदा, अगर वो आते हैं तो मुत्तहिदा मजबूत होगी, वरना मुझे नहीं लगता। भाई इन्होंने भी नाम नहीं लिया लेकिन आप समझ ही सकते हैं। खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी जमात के कैंप में काम कर रहे हैं आप? जी जमात के कैंप पे तो काम नहीं कर रहे लेकिन पीटीआई के सपोर्टर है। अच्छा, आपको क्या लगता है क्या डिलीवर कर पाएगी पीटीआई दोबारा से, क्योंकि एक मौका इनको मिल चुका है? इंशाल्लाह उम्मीद तो है लेकिन कुछ कह नहीं सकते। तो आपको क्या लगता है कि पीटीआई को जो पिछला मौका मिला था वो किन असबाब की वजह से ज़ाया हुआ? यार ये तो आप लोगों को सबको सब खुला हुआ पता हुआ है, अब सब कुछ ऑन कैमरा नहीं बोल सकते ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आप ये बताना करेंगे कि यहाँ पे काफ़ी शिकायत आ रही है कि वोटर लिस्टें जो है ना वो मिसगाइडेड की हुई हैं और सामान देर से पहुँचा, वोटिंग देर से स्टार्ट हुई, इसके मुताबिक क्या ये सच है? नहीं नहीं अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा, मैं काफ़ी देर से ही आई हूँ। आपने वोट कास्ट कर दिया है? जी जी। चले अब हम मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के कैंप पे और आइए यहाँ भी तासुरात लेकर देते हैं लोगों से कि लोगों का क्या लाहे अमल है आगे के लिए और किस तरह देखते हैं इलेक्शन को और पीपल्स पार्टी कितना डिलीवर कर सकता है। क्या लगा खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह भाई आप बताइए। अल्लाह का एहसान। अच्छा आप पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको क्या लगता है पीपल्स पार्टी के कितने इम्कान आते जीतने के? अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हमारे को अल्लाह ताला से यही उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी विन करेगी इंशाल्लाह। जीत गई जाए यार घर। अच्छा पिछले 40 साल से पीपल्स पार्टी मौजूद थी सिंध में, तब तो कोई डेवलपमेंट हुई नहीं, अब आपको क्या लगता है ऐसा क्या नया करेगी पीपल्स पार्टी के पास आवाम उससे दोबारा खुश हो जाए? अल्हम्दुलिल्लाह भाई भाई अल्लाह का करम है कि अब यंग जनरेशन है पीपल्स पार्टी के पास और अब ना कोई कौमियत पे बात होती है ना किसी चीज पे, यंग जनरेशन है। इंशाल्लाह आप देख रहे हैं तरकियाती काम चल रहे हैं, अभी आप देख सकते हैं कोई पार्टी काम नहीं कर रही है, तरकियाती काम चल रहे हैं। पीपल्स पार्टी को आप फुल सपोर्ट करें, हमारी आपसे ये गुजारिश है भाई। अच्छा पीपल्स पार्टी को सपोर्ट तो करेंगे लेकिन आवाम को बड़ी शिकायत है इलेक्शन कमीशन के हवाले से कि वोटर लिस्टों में बड़े मामला हुए हैं और लोगों के नाम नहीं मिल पा रहे, वार्ड मिक्सअप किए हुए, बहुत सारी मैसेज है, इसके मुताबिक क्या कहना चाहेंगे? सर ये तो यूसीज के ऊपर होता है ना, हमारे पास जिसकी लिस्ट है उनकी वोट हमारे पास निकलने, जिनकी हमारे पास लिस्ट नहीं उनको हम लोकेशन पे भेज रहे हैं। अच्छा मतलब लोग यही बता रहे हैं जो यहाँ के रिहायशी उनके वोट जो है ना वो कोई किसी को बल्दिया जाना पड़ रहा है, किसी को कायदाबाद, किसी को लियाकताबाद, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनका 11G न्यू कराची से वाबस्ता है, जिनका एड्रेस यहाँ का है, उनको यही वोट डालना है। एरिया वाइज लोकेशन थोड़ी बस चेंजिंग है, यूसी चेंज है, किसी के वोट वहाँ पे लगे हैं, किसी की वोट यहाँ पे लगे हैं। अच्छा आपको क्या लगता है एमकेएम के बायकॉट की क्या वजह हो सकती है? एमकेएम के बायकॉट की वजह ये हो सकती है भाई के बस क्या बोलें भाई को ओपन किया जाए। अच्छा आप बिलावल को वजीर आजम देखते हैं? क्या जी? बिलावल जरदारी को वजीर आजम देखते हैं? जी जी इंशाल्लाह बिल्कुल। चलिए ठीक है, शुक्रिया आपके। जरा कल्ला अंकल क्या? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। खैरियत से आप? अल्लाह का शुक्र। पास कर दिया आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या तासुरात है इलेक्शन के हवाले से? इलेक्शन के हवाले से क्या तासुरात होंगे, बिल्कुल डीन मुत्तहिदा नहीं तो कुछ भी नहीं। अच्छा आप मुत्तहिदा के सपोर्टर है? नहीं। तो फिर भी अच्छा मतलब यूथ इलेक्शन के अंदर जो होती थी वो मुत्तहिदा की वजह से होती थी, एनर्जी मुत्तहिदा की वजह से होती थी। तो मुत्तहिदा के बायकॉट करने का क्या सबब है? बायकॉट का सबब भी आपके सामने है, हालात क्या चल रहे हैं? तो ये हालात की जिम्मेदार क्या कहीं ना कहीं मुत्तहिदा नहीं है? है क्यों नहीं है, हम सारे सियासतदान हैं। आपको क्या लगता है इन्होंने एहतियात करने के बावजूद भी इलेक्शन का बायकॉट कर दिया, क्या इन्होंने आवाम के साथ सही किया? ये हुआ कुछ नहीं है, ये हुआ कुछ नहीं है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आपने वोट कास्ट नहीं किया अभी तक? नहीं अभी बस लेके जा रहा हूँ, मैंने तो कर लिया है। अच्छा जी, आंटी को करा रहे हैं। जी जी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। क्या लगता है इलेक्शन में कामयाब कौन सी जमात होगी? आप कौन सी जमात को सपोर्ट कर रहे हैं? जमात इस्लाम। अच्छा माशाल्लाह, जैसा कि आप देख सकते हैं जोश जज्बा वलवला बढ़ता ही जा रहा है, जिस तरह वक्त कम होता जा रहा है और आवाम जो है बहुत ज्यादा बेचैन है अपने नुमाइंदगान को असेंबलीज में देखने के लिए। आइए आगे चलते हैं, पोलिंग स्टेशन पे मौजूद हैं। ये वाला स्कूल है नॉर्थ स्टार पब्लिक स्कूल, आइए। यहाँ पे वैसे पोलिंग बंद हो चुकी है लेकिन आवाम के तासुरात जरूर लेंगे और सिक्योरिटी इदारों के भी तासुरात लेंगे कि यहाँ पोलिंग का क्या लायमल रहा और लोगों ने कितने फीसद वोट डाला और क्या शिकायत है। डाले भाई खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पोलिंग खत्म हो चुकी है, आपको क्या लगता है आपके वोटर मुकम्मल वोट कास्ट करके गए हैं या कुछ लोगों के साथ नाइंसाफी हो गई? नहीं नाइंसाफी हो रही है वैसे, क्योंकि लेट शुरू हुई थी पोलिंग तो जाहिर सी बात है इनको घंटा बढ़ाना चाहिए। अच्छा पीछे तो चल रही है, पीछे वाले जो पोलिंग स्टेशन पे वहाँ तो लोग वोट अभी भी कास्ट कर रहे हैं?
हाँ सुनने में यही आ रहा है कुछ स्कूल बंद कर दिए गए हैं और कुछ स्कूलों में जो है पोलिंग जो है अभी भी जारी है। और बैलेट पेपर्स के मुताबिक और वोटर लिस्टों के हिसाब से भी बहुत कुछ कहा गया है कि उसमें भी बहुत मिसगाइड किया गया है आवाम को, वो खास खुसूसी तौर पर वोटर लिस्टों के हवाले से, इसके मुताबिक क्या कहना चाहेंगे? हाँ इसमें तो आवाम जो है बहुत परेशान थी और जो है बेचारे परेशान हो रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, जो है उनके वोट कास्ट हो नहीं पा रहे हैं। आप जमात इस्लामी के यूथ विंग के सदर भी हैं गालिबन, मैं आपको जाती तौर पर जान चुका हूँ, हमारी एक बार पहले मुलाकात हुई थी, तो आप क्या देखते हैं, किस तरह देखते हैं इलेक्शन को, क्या अगर जमात इस्लामी जीतती है तो क्या लाया अमल होगा, प्रायोरिटीज किन चीज़ों पर होगी? इंशाल्लाह आफिर नईम रहमान साहब ने जो पैगाम आवाम को दिया है उस पर पूरा उतरेंगे इंशाल्लाह, और मियाँ आफिर नईम रहमान होंगे इंशाल्लाह, दुआएं। चले ठीक है जी, हमारे साथ इस वक्त सिक्योरिटी नाफिस करने वाले इदारों में से कुछ अफराद मौजूद है, आइए इनसे इनके तासुरात लेते हैं कि इलेक्शन को किस हवाले से देखते हैं। और जनाब 5 मिनट लगेगी सर, दो सवाल तो जवाब दे दें। जैसा कि आप देख सकते हैं, अम्मा आपने वोट कास्ट कर दिया? वोट क्या, वोट डाल दिया आपने? नहीं। तो अब तो टाइम खत्म हो चुका है, अब आप क्या करेंगे? तो आप करो कुछ। अच्छा आप निकले हैं, कौन सी जमात को सपोर्ट कर रहे हैं? जो भी हमारे दिल में होगा वो सपोर्ट आप जिसे भी करना चाहें। क्या लगता है आपको कि इलेक्शन की शफाफियत बरकरार रहेगी या धांधली हो जाएगी? कर देगा अगर आपकी जमात के साथ नाइंसाफी हुई फिर? नहीं होगी, नहीं होगी, अल्लाह जो चाहेगा वो करे। शुक्रिया। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र है आपको। अच्छा वक्त खत्म हो चुका है और सुनने में आ रहा है कई पोलिंग स्टेशन पे अभी भी पोलिंग जो है ना वोटिंग जारी है, तो उसके मुताबिक क्या? इसकी वजह ये है कि सुबह वोटिंग बाद स्कूलों में लेट शुरू हुई थी, तो इस वजह से अभी तक अंदर जो वोट डालने के लिए लोग आए हुए ना उनको अंदर रोक के रखा, और भाई से तो बजाय गेट बंद कर दिया लोगों ने। अच्छा आपको क्या लगता है क्या आपकी जमात कामयाब हो पाएगी? इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कामयाब है। क्या ले सब खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैं ये पूछना चाह रहा था कि वोटिंग का कास्टिंग का वक्त तो खत्म हो चुका है, अभी आप लोगों का कैंप लगा हुआ है, आप लोगों को पर्चियाँ बना बना के दे रहे हैं, क्या मकसद? मकसद ये था कि वोटर को हम इसको सहूलत देते हैं कि भाई आप वार्ड नंबर ये है, ब्लॉक नंबर ये है, उसकी फैसिलिटी तो फायदा तो है नहीं सर, क्योंकि वोटिंग तो अब खत्म हो चुकी है, 5 बज चुके हैं। आपको क्या लगता है आवाम ने किस कदर पार्टिसिपेट किया है इलेक्शन में और कितने लोगों ने वोट डाला है, क्या रुझान तेज था या पिछले सालों की नस्बत कम था? नहीं रुझान तो कम था, कम था, कम था। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वोटर लिस्टों में बेजाब्तगियाँ हुई है और आवाम को ना ठीक ठाक जलील रसुवा किया गया, इसके मुताबिक क्या कहना चाहेंगे? नहीं वो नहीं हुआ, वोटर लिस्टें बाकायदगी से थी। सही है वो, सही है। वक्त हम मौजूद है यूसी 10 के दूसरे वार्ड के अंदर और ये तामीर मिल्लत स्कूल है, इसके पास मौजूद हैं और जैसा कि आप देख सकते हो वोटिंग तो खैर ख़त्म हो चुकी है, लेकिन हम कोशिश करेंगे मजीद कुछ लोगों से तासुरात ले सकें तो उसके मुताबिक होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका भाई? जैनुल्लाह अब्दीन। आपने वोट कास्ट कर दिया? नहीं। क्यों, आपका वोट क्यों रह गया सर? वो वजह सर ये वोट देना तो आपकी जिम्मेदारी, इलेक्शन कमीशन का काम है, सरकार कहाँ से आपको पता है कि क्या कर पार्टी को 15 सालों से? सर देखिए लोग देख रहे हैं, गाली अच्छी बात नहीं है, आप गुस्से में बेशक। अच्छा आपको क्या लगता है आपकी जमात कामयाब होगी? यार देखो ना 20 साल वो टूटे फूटे पड़े हुए जल्दी खाली अपने जायदाद बना रहे का बच्चा। मेरे भाई बहुत गुस्से में, हम किसी और से बात करते हैं। आए अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उबैदुर रहमान। आपने इलेक्शन के कैंप में कितने बजे तक ड्यूटी थी, कब से आप यहाँ पे मौजूद है? सुबह 10 बजे से। तो आपने आवाम को कैसा पाया, आवाम ने भरपूर शिरकत की है या गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में रुझान कम रहा? नए साल माशाल्लाह शिद्दत थी आवाम की। अच्छा बहुत ज्यादा शिकायत आ रही है कि वोटर लिस्टों में ना काफी जो है ना मसाइल आए हैं और मिसकंक्लूजन की गई है और लोगों को बड़ी परेशानी हुई वोट कास्ट करने में, क्या आपको इस तरह की कुछ ही सामने हुई है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह तो अभी तक तो ऐसा कुछ सामने नहीं आया। अच्छा सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सईद लाबे। आप इलेक्शन में खड़े हुए माशाल्लाह, कौन सा की सीट के लिए खड़े हैं? ये चेयरमैन की सीट पे। आप क्या यूसी 10 से चेयरमैन की सीट से खड़े हुए? मोहम्मद सईद। सर आपकी जमात अगर जीतती है तो कितना परफॉर्म कर पाएगी, क्या आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेगी? इंशाल्लाह अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल, क्योंकि हमने खिदमत की जमात है, दावत खिदमत की जमात है, हमारी सियासत खिदमत है इंसानियत, तो इंशाल्लाह हमने आवाम के वोट से सिलेक्ट होकर आना है और खिदमत इंसानियत का फर्ज निभाना है। अच्छा आपको क्या लगता है आपके मुकाबले में अगर कोई स्ट्रॉन्ग दूसरी जमात है आपके बाद तो कौन सी है? मिली जुली है यहाँ पे PTI और जमात इस्लामी स्ट्रॉन्ग है। जमात इस्लामी माशाल्लाह हीट फेवरेट थी, आपको क्या लगता है आप जमात इस्लामी को टैकल कर पाएंगे? नहीं कोशिश तो सबकी है,
और जो जीतेगा वो सारे हमारे भाई हैं, सारे हमारे यहाँ पर अच्छे दोस्ताना माहौल है हमारा, और सब एक दूसरे के साथ ताउन करने वाले साथी हैं, लोग हैं। अच्छा, मुतदा इलाके की खुशहाली के लिए हम वो आगे से आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। मुतदा का आखिरी वक्त पे बायकॉट करने पे आपके क्या तासुरात हैं? ये तो उनकी अपनी राय, उनके तो आपको पता है वैसे ही धड़े इतने बन गए हैं, अब तो सारे मिल गए, नहीं टूट के टूट का शिकार है, और अब जो एक हुए हैं तो ये अपने लालच और मकासद के ऊपर एक हुए हैं। आप इनके अपने अपने मकासद हैं। अगर आप काउंसलर बनते हैं, अगर आप काउंसलर बनते हैं तो आप चेयरमैन बनते हैं सॉरी, तो आपकी प्रायोरिटीज किन चीज़ों पर होगी? आप आवाम को सबसे पहले किन चीज़ों की सहूलियात देंगे? हमने अपना फॉर्म बनाया बाकायदा, उसके अंदर पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन दी है कि हमने हमारे जो काम कर चुके हैं ये वो काम है, जो काम कर चुके हैं और जो कर चुके हैं ये काम है, और जो करने हैं वो ये काम है। अच्छा, आपने माशाल्लाह पूरा एक मैनिफेस्टो बनाया हुआ है अपना, और आपकी तहरीक जो है दूसरे तहरीकों की नस्बत ज़्यादा नहीं है, और तो आप इसको क्या देखते हैं कि आपका सियासी मुस्तकबिल आगे रोशन है? हम तो इलाके में हमने पहली दफ़ा इलेक्शन में हिस्सा लिया है, तो जहाँ सी बात है जब इतनी बड़ी मेजोरिटी के साथ हमने तकरीबन 251 यूसीओं से यानी 152 यूसीओं से हमने अपने कैंडिडेट खड़े करे पूरे कराची से, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी अल्लाह पाक ने हमें मौका दिया, इलाके से खिदमत करने का मौका मिला, तो पहली दफ़ा आए हैं। तो इस तरह हमारे जैसे किमाड़ी का इलाका वो मजबूत है, गुलबर्ग का इलाका, नाथ नाजमाबाद, गुलशन और ये न्यू कराची में हमारी 3-4 यूसीयां बड़ी मजबूत है। इस हवाले से हमने कोशिश और काविश की है, अल्लाह पाक सुरखुरु करेगा इंशाल्लाह, हम आवाम की उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप इलाके के जिम्मेदार हैं? नहीं, जिम्मेदार नहीं है, वर्कर है। मतलब अंजुमन वर्कर में? जी जी वर्कर। आप इस इलाके में कब से रिहाइश पजीर है? मैं बचपन से यहीं पर हूं भाई। आपने अपने अपनी जिंदगी के अंदर यहाँ पे कितने मसाइल को देखा, और आप क्या चाहते हैं कि आपकी जमात जो है? मसाइल तो देखो चलते रहते हैं सब जगह, अब ये काम है यहाँ के रिहाइशियों का भी, हर किसी का अपना अपना नजरिया है भाई, हर किसी को अपना अपना ख्याल रखना चाहिए, गली का मोहल्ले का सबको। अब ये काम करें, ये जो काम है ना, ये काम है यूसी के, ठीक है। अब देखो ये जो बल्दिया के इलेक्शन हुए हैं, अब इसमें कौन आता है कौन नहीं आता, अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पर काम करवाए वो। आप कौन सी जमात को सपोर्ट करते हैं? मैं पीटीआई। पीटीआई को सपोर्ट करते हैं? पीटीआई माशाल्लाह 3.5 साल पहले भी निकाल कर गई है यार, और 3.5 साल निकाल कर गई है, 2 साल तो आप लगा लो लॉकडाउन के, ठीक है। लॉकडाउन तो बिल्कुल सर, लॉकडाउन अगर लगा हुआ भी था तो लॉकडाउन में पूरी दुनिया भी तो चली है ना, नहीं सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर तो लॉकडाउन नहीं लगा। 3.5 साल में सब कुछ ठीक नहीं होता, ठीक है, 3.5 साल बहुत कम होते हैं, इसको 15 साल चाहिए करने के लिए, 3.5 साल कुछ नहीं है। और मुतदा जो एन वक्त के ऊपर इलेक्शन से बर्खास्त हो गई है और बायकॉट कर दिया, उसके मुताबिक क्या कहना चाहिए? वो तो जीत नहीं सकती थी इसलिए उन्होंने बायकॉट कर दिया। जमात इस्लामी को कहा देखते हैं जो इस वक्त कराची की हीट फेवरेट है? नहीं नहीं, अच्छी है जमात इस्लामी, काम करने में आगे है, ठीक है, लेकिन बात यह कि वफाक के तौर पर जो ना मुल्क में आना चाहिए पीटीआई, इमरान खान को आना चाहिए। चलें देखी जाएगी इंशाल्लाह, जो जीतेगा वो बस आवाम के मसाइल को दूर करे, हम और आप दोनों मिलकर यही दुआ करेंगे। हेलो, खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र। पास कर दिया आपने बाजी? जी बिल्कुल। कौन सी जमात को सपोर्ट करनी है आप? बस जो जीतेगा उसको ही दे दिया हमने। ये तो आपको सपोर्ट करना नहीं है, मैं बता रहे जो जीतेगी उसको दिया है। वो डिस्क्लोज करने का नहीं कह रहा हूँ मैं, आपको कह रहा हूँ सपोर्ट किसको कर रहे हैं, बस उसी को जो जीतेंगे ना। आपको क्या लगता है अगर आपकी मतलूबा जमात कामयाब हुई तो काम कर पाएगी? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और अगर डिलीवर नहीं कर सकी तो क्या आप उनके ऑफिस के बाहर जाके एहतजाज करेंगे? नहीं, हम बस इंशाल्लाह इंशाल्लाह। असल में बात ये होती है कि आप अपने नुमाइंदे को कितना देखते हैं, यहाँ पे जितने भी लोग हैं पीछे भी बोले थे लोगों का सवाल कर रहे हैं इतना रोटी का प्रॉब्लम, हमें गैस की परेशानी है और पानी की बहुत तंगी है, और अल्लाह पाक के हुक्म से हमें उम्मीद है कि हमने जिनको सपोर्ट किया है इंशाल्लाह वो जीत जाएगी। शुक्रिया आपके। जैसे कि आपने देखा हर जगह पर सवाल सिर्फ एक है, मसाइल वही है जो पूरे पाकिस्तान और पूरे कराची इस वक्त फेस कर रहा है, गैस बिजली पानी बुनियादी वसाइल अगर आवाम को मिले तो आवाम अपने नुमाइंदों का हाथ कभी नहीं छोड़ेगी।